नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां बसंत पंचमी का त्यौहार पूरे देश में पूरी श्रद्धा व धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन बटाला में इस त्यौहार के कुछ अलग ही मायने हैं और इस त्यौहार को बटाला में शहीद की शहादत से जोड़ा जाता है, क्योंकि आज के दिन ही बाल शहीद वीर हकीकत रॉय ने धर्म की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया था और उनकी मंगेतर लक्ष्मी देवी, जो कि बटाला की रहने वाली थी, उन्होंने वीर हकीकत रॉय की याद में अपने आप को सती कर लिया था। उसी समय से बटाला में बनी इन दोनों की यादगार के स्थान पर बसंत पंचमी को मनाते हुए एक विशेष कार्यक्रम कराया जाता है, जिसमें देशभक्ति को समर्पित नाटकों का आयोजन किया जाता है और साथ ही अलग अलग स्कूली बच्चों में अलग अलग त्रिकोण के मुकाबले कराए जाते हैं। वीर हकीकत रॉय का जन्म 1720 में पाकिस्तान के सियालकोट में लाला भागमलपुरी के घर हुआ था। उनका विवाह बटाला के कादी हट्टी मोहल्ला में रहने वाले केशन सिंह उप्पल की बेटी लक्ष्मी देवी से 12 वर्ष की आयु में कर दिया गया था, पर वह बटाला में अपने परिवार में रहती थी। उस समय देश में मुसलमानों का राज था, देश में सभी काम फारसी में होते थे और व्यापार भी फारसी में ही किया जाता था। इसी कारण से भागमलपुरी ने अपने पुत्र को फारसी सीखने के लिए मौलवी के पास मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया। मुस्लिम सहपाठी उन्हें हिंदू होने के कारण उनसे घृणा करते थे। एक बार हकीकत रॉय का अपने मुसलमान सहपाठियों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने माता दुर्गा के प्रति अपशब्द कहे, जिसका हकीकत ने विरोध करते हुए कहा। मुस्लिम सहपाठियों को जब पलटकर जवाब दिया तो इस पर मुस्लिम बच्चों ने शोर मचा दिया कि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने हकीकत को मारना पीटना शुरू कर दिया। मदरसे के मौलवी ने भी मुस्लिम बच्चों का ही पक्ष लिया। शीघ्र ही यह बात सारे सियालकोट में फैल गई। लोगों ने हकीकत को पकड़कर मारते पीटते स्थानीय हकीम अदीना बेग के समक्ष पेश कर दिया। इस दौरान मुस्लिम लोग उससे मृत्युदंड की मांग करने लगे। हकीकत रॉय के माता पिता ने भी दया की याचना दी। तब अदीना बेग ने कहा, मैं मजबूर हूँ, परंतु यदि हकीकत इस्लाम कबूल कर ले तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। किंतु उस 14 वर्ष के बालक हकीकत रॉय ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो काजी व मौलवी और सारे मुसलमान उसे मारने को तैयार हो गए। लाहौर में उन्हें नवाब जकरिया खान के समक्ष पेश किया गया। मुसलमानों के दबाव में आकर नवाब जकरिया खान ने हकीकत को मृत्युदंड दे दिया। 1734 में बसंत पंचमी के दिन सबके सामने जल्लाद ने तलवार के एक ही वार से 14 साल के मासूम की गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब हकीकत के शव का लाहौर में संस्कार हो रहा था, ठीक उसी समय बटाला में उसकी 12 वर्ष की आयु में लक्ष्मी देवी भी चिंता सजा कर सती हो गई। बटाला में आज भी उनकी समाधि मौजूद है, जहां हर बसंत पंचमी पर मेला लगता है और इस पर्व को भारी उत्साह के साथ मनाया जाता है। अपने समाज के उत्ते, हिंदू समाज के उत्ते, जिन्होंने अपना बलिदान दिता है, शहीद वीर हकीकत राय जी, अज उन्होंने बसंत दिन के उत्ते दिहाड़ा मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी जिते असं बसंत ऋतु का स्वागत करते हाँ, वो नाल नाल बटाला के त्यौहार शहीदी वीर हकीकत राय की शहादत के रूप से भी मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य के समाज को जागृत करने वास्ते अलग अलग स्कूलों तो बच्चे आ के वो देशभक्ति के प्रोग्राम पेश करते हैं। उन्हों का कॉम्पीटिशन होंगे और इस सारे प्रोजेक्ट का मतलब है कि जी सू शहादत वीर हकीकत राय ने शहादत दिती है, क्यों दिती है। उन्होंने मुगलों ने बड़ा परेशान किया, जोर जुलम और अन्याय किया धर्म परिवर्तन वास्ते, बहुत उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं परिवर्तन किया। उन्हें धर्म परिवर्तन करने के बदले अपना बलिदान दे दिता है। तो मैं आज बसंत पंचमी के इस उत्सव के उत्ते सारियां नूं बहुत बहुत बधाई दिना हाँ। और साड़ी संस्कृति के विच इस बसंत पंचमी का बहुत महत्व है। कौम के अंदर शहीदी या बलिदान का जज्बा नहीं पैदा होगा तो कौम जिंदा नहीं रह सकती। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।